New Oxford Primary Science, Level 2, Unit 1st. This unit is about the human body. We'll discuss the human body in this unit. So let's start. Human body, insani jism, varies, mukhtalif hota hai, in size, jasamat mein, and shape or shakal mein. Insani jism, jasamat aur shakal mein mukhtalif hota hai. Aap isko is tarah se translate kiya karein, zyada tar aap English word use kiya karein. Insani jism, size aur shape mein mukhtalif hota hai. As you can see here, there are some people. All of them are different in size and shape. अब यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर लोग हैं, ये सब size और shape में एक दूसरे से different हैं. Size, shape, देखिए इनका size ज़्यादा, इनका size कम, इनका कम, इनका कम, इनका कम, इनका ज़्यादा. Shape भी different है, ठीक है. People can be tall. अब ये देखिए tall है. Short, people can be tall, लोग लंबे हो सकते हैं और short या छोटे. Weak, कमजोर और या strong, ताकतवर. लोग लंबे या छोटे, कमजोर या ताकतवर हो सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं इसमें लोग लंबे भी हैं, छोटे भी हैं, यहाँ कमजोर भी हैं और स्ट्रांग भी हैं, ताकतवर भी हैं. बट लेकिन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तमाम इंसानों के हैव होते हैं सिमिलर, एक जैसे बॉडी पार्ट्स, जिस्म के हिस्से. लेकिन तमाम इंसानों के जिस्म के हिस्से एक जैसे होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं इन सब के बॉडी पार्ट सेम है. दो हाथ, दो पांव, एक नाक, दो आंखें. इसी तरह से ये तो बाहर हमें जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, कुछ अंदर भी पार्ट्स होते हैं, जैसे दिल है, लंग्स, किडनीज. तो ये हमें नजर नहीं आ रहे, तो हड्डियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो बहुत से पार्ट्स होते हैं एक जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. और बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन तमाम इंसानों के हैव होते हैं सिमिलर, एक जैसे बॉडी पार्ट्स या जिस्म कैसे. लेकिन तमाम इंसानों के बॉडी पार्ट्स एक जैसे होते हैं. आर बॉडीज, हमारी बॉडीज के हैव होते हैं मैनी पार्ट्स, बहुत से हिस्से. मैनी बहुत से पार्ट्स, हिस्से. हमारी बॉडीज के बहुत से हिस्से होते हैं. हमारी बॉडीज के बहुत से हिस्से हैं, कैसे? हाथ हैं, पांव हैं, कान, नाक, दिल, लंग्स और भी बहुत सारी चीजें, हड्डियां, बहुत से हिस्से होते हैं. तो अब हम एक एक करके कुछ के बारे में पढ़ेंगे. अब हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे. बोन्स कैसे होती हैं? द बोन्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की हड्डियां. द बोन्स, हड्डियां ऑफ योर बॉडी, आपकी जिस्म की, आपके जिस्म की हड्डियों से मेक अप बनता है. योर, आपका स्केलेटन, ढांचा. ये ढांचा है, ये स्केलेटन है, इसको स्केलेटन बोलते हैं. द बोन्स ऑफ योर बॉडी, आपके जिस्म की हड्डियों से मेकअप बनता है. योर स्केलेटन,
आपका ढांचा, आपका ढांचा, आप की बॉडी की हड्डियों से आपका स्केलेटन बनता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सी हड्डियां हैं, ये सारी हड्डियां मिलकर क्या बनता है, एक ढांचा, एक स्केलेटन बन गया, जिस्म की तमाम हड्डियों से मिलकर एक ढांचा बनता है। ठीक है, स्केलेटन जिसमें एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्केलेटन, तो स्केलेटन क्या होता है, तो आप क्या आंसर देंगे, तो आप कहेंगे द बोन्स ऑफ आर, यूर की जगह आर लिखेंगे, ओ यू आर, द बोन्स ऑफ आर बॉडी, हमारी हमारे जिस्म की हड्डियों से मेकअप बनता है आर, अब यूर की जगह आर हो जाएगा, आर स्केलेटन, हमारा स्केलेटन, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, तो आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे द बोन्स ऑफ आर बॉडी, हमारी बॉडी की हड्डियों से मेकअप आर स्केलेटन, हमारा स्केलेटन या ढांचा बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज का यही से हमने खुद बनाना है। नेक्स्ट देखें, अ स्केलेटन हेल्प्स, स्केलेटन क्या करता है, स्केलेटन क्या करता है, स्केलेटन हेल्प, स्केलेटन मदद करता है, आज हमारी स्केलेटन हमारी मदद करता है टू स्टैंड, खड़ा होने में, अपराइट, सीधा, स्केलेटन सीधा खड़ा होने में हमारी मदद करता है, एंड गिव्स और देता है शेप, शक्ल टू द बॉडी, जिस्म को, और जिस्म को शक्ल देता है। तो स्केलेटन क्या करता है, स्केलेटन सीधा खड़ा होने में और हमारी मदद करता है और जिस्म को शक्ल देता है, यानी अगर ये स्केलेटन ना हो तो हम ऐसे सीधा नहीं खड़े हो सकते, ना बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, और ना ही हमारी बॉडी को कोई शक्ल मिल सकती, हमारी बॉडी की कोई शक्ल ही ना होती अगर हमारा ये स्केलेटन ना होता, हड्डियां ना होती, ये ढांचा ना होता, तो हमारे हमारी कोई शक्ल भी ना होती, ना हमारी बाजुओं की शक्ल होती, ना हमारी टांगों की, ना हमारी आँख चेहरे की कोई भी शक्ल ना होती। इसलिए ये दो काम करता है, एक तो ये करता है कि सीधा खड़ा होने में मदद देता है, और दूसरा ये बॉडी को शक्ल भी देता है। एवरी टाइम जब भी वी वॉक, हम चलते हैं, सिट ऑन अ चेयर, कुर्सी पर बैठते हैं, और बेंड या झुकते हैं, वी आर यूजिंग आर बोन्स, तो हम अपनी हड्डियों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जब भी आप चलते हैं, बैठते हैं, तो देखिए क्या होता है, आप हड्डियों की मदद से आप आगे चलते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, आप कोई चीज उठाते हैं, झुकते हैं, तो हड्डियों की मदद से। When we become an adult, जब हम बालिग हो जाते हैं, adult का बड़ा हो जाना, बालिग हो जाना, तो we have 206 bones, तो हमारी 206 bones हो जाती हैं in our body, हमारे जिस्म में। जब हम बालिग हो जाते हैं तो become हो जाते हैं, बन जाते हैं, हो जाते हैं, जब हम बालिग हो जाते हैं तो कॉमा की जगह आप दो कर दें, वी है हमारी हो जाती है 206 बोन्स, 206 बोन्स हड्डियां इन आर बॉडी, हमारे जिसमें। जब हम बड़े हो जाते हैं या बालिग हो जाते हैं तो हमारे जिसमें 206 हड्डियां हो जाती हैं। डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, अब हम ये बताएंगे आपको कि ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, मेन मर्द एंड वीमेन, इसे बेटर बोलना है अपने वीमेन, वुमेन नहीं बोलना, वीमेन, मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन नहीं बोलना,
men and women, mard aur auratein, boys and girls, ladke aur ladkiyan are called, kehlate hain, human beings, insaan. Mard aur auratein, ladke aur ladkiyan, human beings, kehlate hain. All human beings, tamam insaan, all human beings, tamam insaanon ke hai, hote hain, similar, ek jaise, body parts, jism ke hisse, tamam insaanon ke body parts, ek jaise hote hain. But, लेकिन we look हम दिखाई देते हैं, think हम सोचते हैं, and behave और बर्ताव करते हैं, slow करते हैं, differently मुख्तलिफ from each other एक दूसरे से. लेकिन हम एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं और सोचते हैं और बर्ताव करते हैं. देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे. लेकिन हम एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ सोचते हैं और मुख्तलिफ बर्ताव करते हैं. कैसे? जितने भी लोग हैं, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब इन सबको ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं. और फिर ये बता रहे हैं कि तमाम ह्यूमन बीइंग, जितने भी इंसान हैं, उनके बॉडी पार्ट सेम होते हैं. कैसे सेम होते हैं? सिमिलर कैसे होते हैं? जैसे सबके दो हाथ हैं, दो पाँव, दो आंखें, दो कान, एक वन नोज, वन हार्ट, टू लंग्स. तो सबके बॉडी पार्ट जो हैं वो सिमिलर होते हैं. लेकिन होता क्या है कि वी लुक डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर. हम एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, हमारी शक्ल जो मुख्तलिफ होती है, हम सोचते भी मुख्तलिफ हैं. आप कुछ और सोच रहे होंगे, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, बस हर कोई कुछ और सोच रहा होगा. एंड बिहेव, और हमारा जो हम जो बिहेव करते हैं ना, बर्ताव करते हैं, वो भी हमारा मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखें, मसल्स एंड जॉइंट्स. मसल्स क्या होते हैं? जॉइंट्स के ऊपर जो हड्डियों के ऊपर ये गोश्त होते हैं ना हमारे, आप जरा देखें अपने बाजू को, देखें आपकी बाजुओं के, अगर आप इसको टच करें तो अंदर एक हड्डी नजर आएगी, एक हड्डी आपको फील होगी. इस हड्डी के ऊपर आप देखें ये क्या है, ये जो आपको गोश्त वगैरह नजर आ रहा है ये मसल्स बोलते हैं. और जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? आप अपनी बाजू को देखें, और जहाँ जहाँ पर बाजू आपका मुड़ रहा है ना, जिस जगह से भी बाजू कोई चीज़ मुड़ेगी तो वो आपका जॉइंट होगा. अगर आप देखें एल्बो पे यहाँ पर, तो यहाँ से भी आप मोड़ सकते हैं. अगर आप यहाँ पर देखें, ये रिस्ट है, ये एल्बो है, ये रिस्ट है, रिस्ट को मोड़ें, यहाँ से भी आप मोड़ सकेंगे. ये आपका शोल्डर है, शोल्डर से भी अगर आप चाहें तो बेंड कर सकते हैं. तो ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, और ये भी जॉइंट है. इसी तरह से अगर आप आगे जाएं तो ये आपका थंब है, थंब में जाएं देखें तो आप एक यहाँ पर और एक यहाँ, दो जगहों पर आप इसको मोड़ सकते हैं. जरा मोड़ के देखें अपने थंब को, तो इस थंब में आपके टू जॉइंट्स होंगे. इस फिंगर में देखें और मोड़ कर देखें कितनी जगहों से मुड़ती है, 1, 2, 3, तीन जगहों से जो ये बेंड होती है, तो इसके जॉइंट्स 3 होंगे. इसी तरह सब ये जितनी भी फिंगर्स हैं इनके 3 जॉइंट्स होंगे, लेकिन थंब के 2 जॉइंट हैं क्योंकि दो जगहों से वो बेंड हो सकते हैं. तो ये बता रहे हैं कि मसल्स एंड जॉइंट्स क्या होते हैं. बोन्स डू नॉट वर्क अलोन. देखिए अगर हमारी सिर्फ हड्डियाँ ही होती हैं और हमारे ऊपर ये मसल्स ना होते या जॉइंट्स ना होते, तो हमारी हड्डियाँ ये मूव ना कर सकती. तो ये कह रहे हैं कि बोन्स डू नॉट वर्क अलोन, हड्डियाँ अकेले काम नहीं कर सकती.
bones, हड्डियाँ do not work alone, अकेले काम नहीं करती. They move, ये हरकत करती हैं. कौन ये हड्डियाँ? With the help of muscles, muscles and joints or joints की मदद से. Muscles पट्टे, joints जोड़. लेकिन आपने आगे muscles और joints यूज करके आपने इनको muscles और joints ही बोला है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि muscles क्या हैं, joints क्या हैं. They move, ये हरकत करती हैं. With the help of मदद से, with the help मदद से of muscles, muscles की and joints और joints की. They move with the help of muscles and joints. ये muscles और joints की मदद से हरकत करती हैं. ठीक है ना? ये जो muscles होते हैं ना, हमारे muscles और joints होते हैं, ये help करते हैं इसको move करने में. The place, वो जगह, where, जहाँ two bones, दो हड्डियाँ meet, मिलती हैं, is called, कहलाती है, a joint, joint. The place, वो जगह, where two bones, जहाँ दो हड्डियाँ meet, मिलती हैं, is called a joint, वो joint कहलाता है. आप ये देखें यहाँ पर, ये lower arm bone है, और ये upper arm bone है. तो ये यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, वो कहलाती हैं, वो कहलाता है joint. अगर अब आपने बाजू को देखें, तो आपका एक बाजू यहाँ से भी आपका हाथ मुड़ेगा. आप बेंड कर देखें, मूव करते हैं ना. हाँ जी, एक जॉइंट ये है. और यहाँ से भी बेंड कर देखें अपनी एल्बो से, इधर भी मूव हो रहा है ना, बेंड हो रहा है, तो ये भी एक जॉइंट है. और शोल्डर पे देखें, यहाँ भी बेंड हो रहा है, तो ये भी एक जॉइंट है. तो आपके आर्म में कितने जॉइंट होंगे? 1, 2, 3. लेकिन आपके फिंगर में भी 3 है, 1, 2, 3. थंब में 2 है, 1, 2. जॉइंट्स क्या करते हैं? जॉइंट्स हेल्प, जॉइंट्स मदद करते हैं द स्केलेटन, स्केलेटन को, ढांचे को, जो मूव, हरकत करने में. स्केलेटन जो है, ये जॉइंट्स जो है कि इसको हेल्प करते हैं मदद करने के लिए. कैसे? देखिए मैं आपको दिखाता हूं. ये देखें ये जॉइंट है. ये जॉइंट अगर ना होते तो ये देखें बेंड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं. अगर ये बेंड ना हो तो ये मूव नहीं कर सकते. तो स्केलेटन हमारी जो बॉडी है उसको मूव करने के लिए, देखें हर जगह से ये मूव कर रहे हैं. फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बेंड हो सकते हैं, इस वजह से ये मूव करते हैं. और अगर ये बेंड ना हो तो फिर ये हम आगे नहीं चल सकते. तो जॉइंट्स क्या करते हैं? जॉइंट्स हेल्प अ स्केलेटन, जॉइंट्स स्केलेटन की मदद करते हैं टू मूव, हरकत करने में. दे अलाउ अस, वो हमें इजाजत देते हैं. इजाजत देने यहाँ भी मतलब है वो हमारी मदद करते हैं. टू वॉक, चलने में, रन दौड़ने में, बेंड झुकने में, और लिफ्ट थिंग्स, ये चीज़ें उठाने में. तो आप देखें अगर आप अपने जॉइंट्स का इस्तेमाल ना करें तो आप ना चल सकते हैं, ना आप दौड़ सकते हैं, ना आप झुक सकते हैं. झुक कर दिखाएं बगैर उसके, बगैर जॉइंट्स के आप झुक के दिखाएं. जब तक आप बेंड नहीं करेंगे जॉइंट वाली जगह, तब तक आप नहीं झुक सकते. इसी तरह से आप कोई चीज़ उठा भी नहीं सकते जब तक आप अपने आप को बेंड नहीं करेंगे, अपने हाथ को बेंड नहीं करेंगे, अपने बाजू को बेंड नहीं करेंगे. तो इनके बगैर, जॉइंट्स के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन, जॉइंट्स स्केलेटन की मदद करते हैं टू मूव, हरकत करने में. दे अलाउ अस टू वॉक, रन, बेंड और लिफ्ट थिंग्स, वो हमें चलने, दौड़ने, झुकने, ये चीज़ें उठाने में हमारी मदद करते हैं. कॉन्सेप्ट चेक, अब देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है. तो आप बताइए, आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट, एडल्ट का जो स्केलेटन होता है, इज मेड अप ऑफ, वो बना हुआ होता है, हाउ मेनी बोन्स? गुड, 206 बोन्स, हमने भी पढ़ा था. तो यहाँ आप 206 आ कहेंगे. द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स, एक एडल्ट का जो स्केलेटन है वो 206 बोन से बना हुआ होता है. यू नीड,
this and this. Kya? To move your bones. Apni bones ko move karane ke liye hamein kin do cheezon ki zarurat hoti hai? Abhi humne padha. Haan ji, to abhi humne padha tha joints. Ek aur bhi padha tha ki bones jo hain wo akele kaam nahi karti balki wo kisse kaam karti hain. Haan ji, muscles aur joints uski help karte hain move karne mein. To phir kya likhenge aap? You need muscles and joints. आपको मसल्स और जॉइंट्स की जरूरत होती है टू मूव योर बोन्स, अपनी हड्डियों को हरकत देने के लिए. ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ऑर्गन्स किसे बोलते हैं? बॉडी पार्ट्स को. बॉडी पार्ट्स को ऑर्गन्स बोलते हैं. यानी जिस्म के जो हिस्से होते हैं, बहुत सारे जिस्म के हिस्से हैं. देखिए, हाथ है, ये भी ऑर्गन है. आर्म ऑर्गन है, आई ऑर्गन है, लंग्स, हार्ट और ब्रेन, जितने भी हमारे हिस्से हैं, पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हैं, इनको ऑर्गन्स भी कहते हैं. तो डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्से ऑफ द बॉडी जिस्म के, क्यों करते हैं डिफरेंट जॉब्स, मुख्तलिफ काम. जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम करते हैं. जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम करते हैं. कैसे? हमारा हाथ और काम करता है, सेम काम नहीं करेगा जो पाँव करता है. पाँव और हाथ हमारे मुख्तलिफ काम करते हैं. कैसे? हम हाथ से लिखते हैं, खाना खाते हैं, और भी काम करते हैं, लेकिन हम ना पाँव से लिखते हैं और ना कोई और. हम पाँव से क्या करते हैं? हम पाँव से चलने का काम लेते हैं. इसी तरह से हम अपने दिमाग से सोचते हैं, और हमारा हार्ट क्या करता है? हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्या हम दिमाग से वही काम ले सकते हैं जो दिल करता है? नो. हार्ट से हम वो काम नहीं ले सकते जो ब्रेन करता है. इसी तरह से क्या हम आंखों से देख सकते हैं? नहीं. कानों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते. हम आंखों से देखते हैं. क्या कानों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते. आंखों से देखते हैं. इसी तरह से आंखों से सुन सकते हैं? नहीं, हम आंखों से देख सकते हैं. तो हर ये ऑर्गन है वो डिफरेंट जॉब करता है. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से डू करते हैं डिफरेंट जॉब्स, मुख्तलिफ काम. जिस के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम करते हैं. ये जॉब, हर काम इज डन, किया जाता है बाय अस स्पेशल बॉडी पार्ट, एक खास जिस्म के हिस्से से. और ऑर्गन या बॉडी पार्ट को ऑर्गन भी कहते हैं, जिस्म के हिस्से से या ऑर्गन से. हर काम जिस का एक खास हिस्सा या ऑर्गन करता है. हर काम जिस्म का एक खास हिस्सा या ऑर्गन करता है. सम ऑफ दीज ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स में से कुछ आर होते हैं इनसाइड, अंदर द बॉडी, जिस्म के. सम ऑफ दीज ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स में से कुछ जिस्म के अंदर होते हैं. एंड कैन नॉट बी सीन, और उन्हें देखा नहीं जा सकता. इन ऑर्गन में से कुछ जिस्म के अंदर होते हैं और उन्हें नहीं देखा जा सकता. कैसे? जिस्म के अंदर कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे ब्रेन है, ब्रेन जिस्म के अंदर होता है. लंग जिस्म के अंदर होता है. हार्ट जिस्म के अंदर होता है. किडनीज, ये सब जिस्म के अंदर होते हैं, उन्हें नहीं देखा जा सकता. यू हैव अ ब्रेन, आपका एक दिमाग होता है. देखिए, ये ब्रेन की ये शक्ल है. ये जैसे अखरोट होता है ना, ये उसकी शक्ल होता है. यू हैव अ ब्रेन, जब अखरोट को तोड़ते हैं या ऐसे ही हो तो उसको इस तरह से दिखाई देता है. यू हैव अ ब्रेन, आपका एक दिमाग होता है. यू यूज इट, आप इसे इस्तेमाल करते हैं टू थिंक, सोचने के लिए. देखिए, दिमाग सोचने के लिए. इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है योर बॉडी, आपकी
आपके जिस्म को एंड योर एक्शंस और आपके कामों को, आपके अफ़ाल को, आपके मूवमेंट को. इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शंस. ये आपकी बॉडी और आपके एक्शंस को, कामों को कंट्रोल करता है. ये दिमाग होता है ना जो हमें कंट्रोल करता है. यू हैव अ हार्ट. हमारा एक और ऑर्गन है उसका नाम है हार्ट. ये क्या करता है? इट पंप्स ब्लड. ये खून, ब्लड जो ये जो खून पंप करता है टू ऑल पार्ट्स, तमाम हिस्सों को ऑफ योर बॉडी, आपके जिस्म के. ये आपके जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पंप करता है. पंप कैसे करता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ. इसलिए आपने पंप ही बोलना है. यहाँ पर खून पहुंचाता है. पहुंचाता कैसे है? पंप करके पहुंचाता है. ठीक है. इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. ये आपकी जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून पंप करता है. देखें ये है हार्ट. यहाँ पर ये हार्ट है और ये ब्लड पंप कर रहा है जिस्म के तमाम हिस्सों तक. ये जाता है, मैं भी आपको ये दिखाता हूँ. ये देखें ये हार्ट है. ये इसे कहते हैं पंप करना, सुकड़ना, फैलना, सुकड़ना, फैलना. ये सुकड़ना फैलना ये पंप हो रहा है और यहाँ से ये खून जो है ये वेंस आपको नज़र आ रही है. ये वेंस पूरे जिस्म में होती हैं, पूरी बॉडी में होती हैं. तो ये पूरी बॉडी की तरफ ये ब्लड जो है ये पंप होता है. एक और ऑर्गन है हमारा, वो क्या है? लंग्स. लंग्स में एक नहीं है बल्कि एक पेयर है, दो है. पेयर में दो होते हैं. यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स. आपके लंग्स का एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है. यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स. आपके लंग्स का एक पेयर, एक जोड़ा होता है. यू यूज देम. आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं किस लिए? टू ब्रीद एयर. हवा को सांस के जरिए इन, अंदर ले जाना, एंड आउट और बाहर निकालना ऑफ द बॉडी, जिस्म से. यानी हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट के लिए, ब्रीद इन एंड आउट के लिए हम किसे इस्तेमाल करते हैं? लंग्स को. वी यूज देम. हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं टू ब्रीद इन, टू ब्रीद एयर इन एंड आउट. टू ब्रीद एयर इन एंड आउट. हवा को सांस के जरिए अंदर ले जाने के लिए एंड आउट और बाहर ले जाने के लिए ऑफ द बॉडी, जिस्म के. आप इन्हें हवा को सांस के जरिए जिस्म के अंदर और बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये देखें यू, आप यूज देम. पहले आप देम को ट्रांसलेट करेंगे. यू यूज देम, आप इन्हें. फिर यहां पर आए, हवा को ब्रीद, सांस के जरिए फिर जिस्म के अंदर और बाहर ले जाने के लिए, फिर इसका तर्जमा करेंगे यूज, बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. फिर देखिए, आप इन्हें हवा को सांस के जरिए जिस्म के अंदर और बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब देखें कि हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कैसे करते हैं. यानी हवा को सांस के जरिए अपने जिस्म के अंदर कैसे ले जाते हैं और फिर बाहर कैसे ले जाते हैं. ये देखिए, ये हमारे लंग्स हैं, पेयर ऑफ लंग्स. ये बाहर से हवा नोज के जरिए हमारी बॉडी के अंदर और फिर वापस बाहर, ऑक्सीजन की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बॉडी से बाहर. उसके बाद एक और ऑर्गन है जो
जो डिफरेंट जॉब करता है, यानी सांस नहीं लेगा, सांस लेने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, ये आपकी फूड को डाइजेस्ट करेगा, हजम करेगा, और उसका नाम है स्टमक। ये स्टमक है, ये यहाँ पर ये स्टमक है, ये यहाँ पर ये स्टमक। यू हैव अ स्टमक, आपका एक स्टमक होता है, आपका एक मेदा होता है। इट हेल्प्स यू, ये आपकी मदद करता है डाइजेस्ट, हजम करने में योर फूड, आपका खाना। ये आपका खाना हजम करने में आपकी मदद करता है। उसके बाद हमारे फाइव सेंसेस हैं, फाइव ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, इन्हें बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। तो वी हैव फाइव सेंसेस इंसानी जिसम में ना, हमारा जो हमारी बॉडी होती है, इसके अंदर ना फाइव सेंस होते हैं। तकरीबन सब लोगों में कुछ में नहीं होते, जैसे कोई ब्लाइंड है तो उसमें एक ये साइट वाली सेंस नहीं होगी। कुछ बहरे होते हैं, उनके ये हियरिंग सेंस नहीं होती उनके पास। और तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ब्लाइंड देखे होंगे और कुछ आपने ऐसे देखे होंगे जिन्हें सुनाई नहीं देता होगा, तो उनके ये सेंसेस नहीं होती हैं। लेकिन आमतौर पर हर इंसान की ये फाइव सेंसेस होती हैं। तो वी हैव फाइव सेंसेस, वी यूज द सेंस ऑर्गन्स, हम सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हैं। ये है सेंस ऑर्गन जिन्हें बोलते हैं, इसलिए टू सेंस, पता लगाने के लिए, पता चलाने के लिए, थिंग चीजों का अराउंड अस, अपने इर्द गिर्द, हम अपने इर्द गिर्द चीजों का पता लगाने के लिए सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स की मदद से वी कैन सी, हम देख सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, स्मेल सुन सकते हैं, टेस्ट चख सकते हैं, एंड फील और महसूस कर सकते हैं। All the wonderful things, तमाम हैरत अंगेज चीजें, तमाम जबरदस्त चीजें in this world, इस दुनिया में या इस दुनिया की। With the help of sense organs की मदद से हम इस दुनिया की तमाम जबरदस्त चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जायका चख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने अच्छी तरह से आपको समझ आ गई है तो आप आसानी से कर लेंगे। व्हाट डू वी कॉल द प्लेस, हम उस जगह को क्या कहते हैं, Where, जहाँ bones, meat, हड्डियाँ मिलती हैं। देखिए, जहाँ हड्डियाँ मिलती हैं वो क्या जगह होती है, मैंने बताया था अभी, हाँ जी, joint। Which of these, इनमें से कौन सा, is the name, नाम है, for the bones, हड्डियों का, in the head, सर में। सर जो स्कल है हमारा, खोपड़ी है, इसके अंदर भी हड्डियाँ होती हैं और उन्हें कहते हैं spine, ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा, इज नॉट, नहीं है, वन ऑफ द फाइव सेंसेस में से कोई, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो फाइव सेंसेस में से नहीं है। साइट भी फाइव सेंसेस का है, फाइव सेंसेस में से है, हियरिंग भी फाइव सेंसेस में से है, बिलीफ है, नो बिलीफ तो नहीं है, टच, हाँ टच है, फाइव सेंसेस में से बिलीफ नहीं है। विच इज द ऑड वन आउट, विच इज ऑड वन, कौन सा इसके अंदर मिलता नहीं है, मिलता जुलता नहीं है, अजीब सा है इसके अंदर, कौन सी चीज अजीब सी लग रही है इसमें। देखें, हिप बोन, आप उसके अंदर देखें, आपकी बुक में बनी हुई है डायग्राम इसकी, स्केलेटन की, उसके अंदर देखें हिप बोन कहाँ पर है, फिर जॉ बोन देखें, जबड़ा, जबड़े की हड्डी, वो देखें कहाँ पर है, रिब्स देखें, रिब्स भी हड्डियाँ होती हैं, और स्किन तो हड्डियाँ नहीं होती, तो ये ऑड है। ठीक है, ये देखें, विच पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म का कौन सा हिस्सा इज यूज, इस्तेमाल होता है टू ब्रीद विद, सांस लेने के लिए। अभी हमने डिटेल से देखा, क्लिप भी देखा, वो क्या है, लंग्स।
फिर है हाउ मैनी जॉइंट्स आर देयर इन दीज बॉडी पार्ट्स, इन बॉडी पार्ट्स में कितने जॉइंट्स हैं। यूज द पिक्चर्स इन दिस यूनिट, इस यूनिट की पिक्चर्स इस्तेमाल करें। एंड योर ओन बॉडी, और अपने जिस्म को देखें। टू फाइंड द आंसर्स, आंसर्स फाइंड करने के लिए, तो मिडल फिंगर में देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कितने हैं जॉइंट्स। थ्री गुड, थंब में टू गुड, और आर्म में भी थ्री है बेटा। देखें, एक तो आप रिस्ट वाली जगह से देखें, वहाँ से मुड़ मुड़ रहा है आपका, आप वहाँ से एक वो जॉइंट हो गया। दूसरा एल्बो से, और तीसरा शोल्डर से, तो थ्री जॉइंट्स। अब बेटा जो आपने लेसन पढ़ा है उसमें से उसके क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन। तो हम कहेंगे वो जब पूछा जा रहा हो तो फिर हम योर की जगह आर बोल लिखते हैं, तो अब लिखेंगे द बोन्स ऑफ आर बॉडी, हमारे जिस्म की हड्डियों से मेकअप बनता है आर स्केलेटन, हमारा ढांचा। द बोन्स ऑफ आर बॉडी मेकअप आर स्केलेटन, हमारे जिस्म की हड्डियों से हमारा ढांचा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने लिखना है, व्हाई डू वी नीड, हम हमें क्यों जरूरत होती है मसल्स, मसल्स की एंड जॉइंट्स और जॉइंट्स की, हमें मसल्स और जॉइंट्स की क्यों जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है बताएं, मूव करने के लिए, काम करने के लिए। अब यहां से लिखेंगे वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स, आधा हिस्सा आपको क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएगा, वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स टू मूव एंड वर्क, लिखना है आपने ये, हमें हरकत करने के लिए और काम करने के लिए मसल्स और जॉइंट्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखें, व्हाट वुड हैपन, क्या हो जाता टू द बॉडी, जिस्म से, इफ इट डिड नॉट हैव, अगर इसमें ना होता अ स्केलेटन, ढांचा, यानी जिस्म में अगर ढांचा ना होता तो क्या होता, तो क्या होता, इसका आंसर क्या है, ना तो हम सीधा खड़े हो सकते थे, हो सकते, और ना ही हमारी जो बॉडीज हैं उनको की कोई शेप होती। इसका आंसर क्या होगा, इफ वी डिड नॉट हैव अ स्केलेटन, यहां से इसका आंसर बनेगा, इफ से, इफ इफ वी डिड नॉट, इफ इट की जगह आ जाएगा इफ, अच्छा ये आप भी कर सकते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ टू द बॉडी इफ इट, If it did not have a skeleton, अगर इसका कोई ढांचा ना होता तो कॉमा लगाएं, उसके बाद आपने लिखना है, We could not stand upright, तो हम सीधा खड़ा ना हो सकते, We could not stand upright, And our bodies would have no shape, और हमारी bodies की कोई शक्ल ना होती, ये भी लिखना, अगर इसका कोई ढांचा ना होता तो हम सीधे खड़े ना हो सकते और हमारी बॉडीज की कोई शेप ना होती। अब है, What work is done by these parts of your body? What work is done? क्या काम लिया जाता है by these parts, इन हिस्सों से, of your body, आपके जिस्म के, आपके जिस्म के इन हिस्सों से क्या काम लिया जाता है? तो अलग अलग इसका क्वेश्चन बना लेते हैं, What work is done by heart? What work is done by the heart? दिल से कौन सा काम लिया जाता है, तो उसका आप आंसर लिखें, कौन सा लिया जाता है, हार्ट ब्लड पंप करता है,
comprise to all parts of our body. ऐसे है ना, जिस्म के तमाम हिस्सों को ब्लड पंप करता है. वो आंसर क्या बनेगा, देखिए, हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को ब्लड पंप करता है, दिल खून को पंप करता है. ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक. दिल हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून पंप करता है. अब क्वेश्चन अलग से बना इसका, व्हाट वर्क इज डन बाय द ब्रेन, दिमाग से क्या काम लिया जाता है. तो इसका आंसर लिखिए आप. क्या करते हैं इसे, तो थिंक विद, इसे हम सोचते हैं. तो आप लिखें, वी यूज ब्रेन, हम दिमाग इस्तेमाल करते हैं टू थिंक विद, सोचने के लिए. और एक और भी हमने पढ़ा था कि ये हमारी बॉडी को और एक्शंस को कंट्रोल करता है, पढ़ा है ना. तो लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे, इट कंट्रोल्स आवर बॉडी एंड आवर एक्शंस. ये हमारी बॉडी और हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है. अब नेक्स्ट होगा ये वाला लंग्स, व्हाट वर्क इज डन बाय लंग्स, फेफड़ों से क्या काम लिया जाता है. ये आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है. आपने क्या लिखेंगे, कौन सा काम किया था हमने, सांस लेने का, ब्रीद इन, ब्रीद एयर इन एंड आउट. ठीक है, ब्रीद एयर इन एंड आउट. तो अब लिखें, वी यूज लंग्स, हम लंग्स को इस्तेमाल करते हैं टू ब्रीद एयर इन, हवा को सांस के जरिए अंदर ले जाने के लिए, एंड आउट ऑफ द बॉडी, और जिस्म से बाहर ले जाने के लिए. हम लंग्स को या फेफड़ों को हवा सांस के जरिए जिस्म के अंदर या बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, लिख लिया. ओके, नेक्स्ट देखें यहां पर, व्हाट वर्क इज डन बाय स्टमक, मेदे से या स्टमक से क्या काम लिया जाता है. क्या काम लिया जाता है, डाइजेस्ट करता है ये हमारी खुराक को. तो क्या लिखेंगे, स्टमक हमारी मदद करता है इसलिए फूड डाइजेस्ट करने में. तो आप लिखेंगे, स्टमक हेल्प्स अस, स्टमक हमारी मदद करता है डाइजेस्ट आवर फूड, हमारी खुराक को हजम करने में. स्टमक हमारी खुराक को हजम करने में मदद देता है. ओके, नेक्स्ट देखें, नेम द फाइव सेंसेस, पांचों हवास के, पांचों द टू दोनों, जस्ट फाइव हो तो सुनो, द फोर चारों, जस्ट फोर हो उसके साथ दाना हो तो सुन लो, चार, पांचों सेंसेस के नाम बताएं. तो कौन कौन से हैं, एक तो है साइट, दूसरा साइट यानी देखना, दूसरा हियरिंग सुनना, तीसरा स्मेल सूंघना, नेक्स्ट टेस्ट चखना, नेक्स्ट एंड टच और छूना, आर द फाइव सेंसेस, पांच सेंसेस हैं, पांचों सेंसेस. तो आंसर लिखें, साइट कॉमा हियरिंग कॉमा स्मेल कॉमा टेस्ट एंड टच आर द फाइव सेंसेस.
Now, looking a sight, hearing, smell, taste, or touch, ये पांच senses हैं. Next है, name the five sense organs. वो five senses थे. अब वो जो five senses जिन organs को use करते हैं, उन organs का नाम बताना है. तो देखें, sight के लिए कौन सा organ है? Eye. Hearing के लिए कौन सा organ है? Ear. Smell के लिए कौन सा organ है? Nose. Taste के लिए कौन सा organ है? Tongue. और touch के लिए कौन सा organ है? Skin. तो ये जो दो organs हैं, इनके आपने नाम लिखना है. आप लिखना है Eye, Nose, commas लगाने दरमियान में, Ear, comma, Tongue and Skin are the five sense organs. इसका मतलब होगा आंख, नाक, कान, जुबान और जिल्द पांच सेंस ऑर्गन्स हैं. क्लियर हो गया? अच्छा जी, देखें, राइट इन द ब्लैंक कॉलम्स. ये ब्लैंक कॉलम्स हैं, खाली कॉलम्स हैं, ये वाले और ये वाले. द नेम्स ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, यहाँ सेंस ऑर्गन्स के नाम आपने लिखने हैं. एंड सेंसेस, और यहाँ पर आपने सेंसेस लिखने हैं. यू विल नीड, जिन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्सपीरियंस करने का, तजर्बा करने का. एक्सपीरियंस द एटम्स एंड एक्शंस, जब आप ये आइटम्स करेंगे या एक्शंस करेंगे. इन कॉलम वन में आपने लिखना है. सम मे नीड मोर देन वन सेंस और ऑर्गन, किसी में एक से ज़्यादा भी ऑर्गन की या सेंस की ज़रूरत हो सकती है. मसलन परफ्यूम है, अब परफ्यूम खुशबू के लिए हम कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं, किससे कैसे पता चलता है हमें? नोज़ से. ठीक है, यहाँ पर नोज़ लिखेंगे. तो नोज़ से हमें क्या पता चलता है? स्मेल का, ये सेंस होगी. इसी तरह से सनशाइन, धूप का हमें कैसे पता चलेगा? अपनी आँख से. तो आँख से आई हम लिखेंगे यहाँ पर. तो आई से जो सेंस होती है वो होता है साइट. आई तो है ऑर्गन और उसके सेंस है साइट. फिर देखें सोप. सोप क्या है? साबुन. आप देखें साबुन, इसका कहाँ पर लगाते हैं? हम अपनी स्किन से लगाते हैं, स्किन पर लगाते हैं. तो हमें कैसे पता चलता है ये साबुन है? हम उसे टच करते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं उसको. सोप को हमने देखा अपनी आंखों से, तो यहाँ पर सेंस ऑर्गन आई भी हो सकता है और उसको हम टच करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट देखें पिकल, अचार. अचार का कैसे पता चलेगा हमें? हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने से पता चलेगा. यानी यहाँ ऑर्गन आएगा टंग, और सेंस कौन सी आएगी? टेस्ट. फिर इसी तरह से देखें ड्रमिंग, ढोल बजाया जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा ढोल बजाया जा रहा है? हमारे कान बताएंगे. तो ईयर होगा सेंस ऑर्गन, और सेंस क्या होगा? हियरिंग. इसी तरह से सनसेट, अब सूरज गुरूप हो रहा है, कैसे पता चलेगा? हमारी आंख बताएगी. तो आई, और सेंस क्या होगा? साइट. इसी तरह से सैंड पेपर है, सैंड पेपर. तो सैंड पेपर से कैसे पता चलेगा हमें? इसका भी हमें दो तरह से पता चल सकता है. एक तो हम देखकर बता देंगे, यानी आई, और आई का जो सेंस होता है वो होता है साइट. और दूसरा हम टच करके भी बता सकते हैं. तो टच करने से कैसे? अगर सैंड पेपर है वो रफ सा है, खुरदरा सा है, तो हमें पता चलेगा ये सैंड पेपर है. तो टच करने से कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं हम? स्किन. और सेंस कौन सा होता है? टच. आगे देखें क्लाउड्स.
कलर्स का कैसे पता चलते हैं? हमारी आंखें बताती हैं, तो सेंस ऑर्गनों का आई। तो आई का ताल्लुक किससे है, किस सेंस से है? साइट से। इसी तरह सिंगिंग, कोई सिंग कर रहा है, गा रहा है, गाना गा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा गाना गा रहा है? देखने से तो पता नहीं चल सकता कि गाना गा रहा है, देखने से तो ये भी हो सकता है कि वो कोई कुछ कह रहा हो। हाँ, उसकी आवाज से पता चलेगा। तो उसकी आवाज किससे हम सुनते हैं, कौन से ऑर्गन से सुनते हैं? ईयर। गुड। तो इसका सेंस क्या होता है ईयर का? हियरिंग। गुड। आगे देखें, फर। फर, आपने फर देखी होगी, तो फर का कैसे पता चलता है? वो बहुत स्मूथ सी होती है, नरम सी होती है, तो उसको हम जब छुएंगे, टच करेंगे, तो पता चलेगा ये फर है। तो टच करने से ये तो होगी सेंस, और किस चीज से टच करेंगे? स्किन से। तो सेंस ऑर्गन होगा स्किन, और सेंस होगी स्किन टच। आप बनाना है, बनाना का कैसे पता चलेगा? एक तो हमें देखने से पता चल जाएगा, देखने से कौन सा ऑर्गन काम करेगा? आई। गुड। और आई के लिए कौन सी सेंस होती है? साइट। ठीक है, इसके अलावा बताएं कौन सा ऑर्गन यूज कर सकते हैं? हाँ जी, टंग भी यूज कर सकते हैं हम, जब उसे खाएंगे, अगर हमने नहीं देखा, किसी ने हमें खिला दिया आंखें बंद करके, तब भी हमें पता चल जाएगा कैसे, वो हमें हमारी टंग बताएगी। और टंग का क्या होता है सेंस? टंग का सेंस, टंग तो हो गई सेंस ऑर्गन, तो इसकी सेंस क्या होती है? टेस्ट। तो इसके बनाना के ऑर्गन दो बनेंगे, एक टंग, टंग से हमें टेस्ट का पता चलेगा, और आई, आई से हमें उसकी शक्ल का पता चलेगा, और उसका आई का सेंस होता है साइट, और टंग का सेंस होता है टेस्ट। बेटा, ये आपका लेसन चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सब बच्चों ने इसकी ट्रांसलेशन लिखनी भी है, और याद भी करना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, ये आपने लेक्चर्स बार बार सुनने हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और आपने जितनी भी वीडियोस हैं ये फ्लैश में आपने डाउनलोड कर देनी है, क्योंकि अगर आपके पास MBs नहीं होंगे तो तब आप आसानी से बार बार भी इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आएगी, आप उसको रिपीटेडली सुने। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स बच्चों की हेल्प करें, आप खुद साथ बैठें, खुद भी समझें और बच्चों को भी समझाएं। आपके समझाने से, क्योंकि आप बच्चों के साथ बैठे होंगे, तो आप बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये जो हमने ऑनलाइन ये तरीका अख्तियार किया है, मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त होगा, और ये इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल जब स्कूल खुल जाएंगे तब भी हम ये वीडियोस शेयर करते रहेंगे, ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चे कहीं भी भेजने की ज़रूरत ना रहे, ना कहीं ट्यूशन भेजें, घर में बच्चों को अपने सामने रखें, और खुद भी आप देखें, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि बच्चों की क्या तैयारी है, आपको भी आप भी इन टच रहेंगे। तो ये म्यूचुअल कोऑपरेशन से और अंडरस्टैंडिंग से ही हम अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो ताबड़तोड़ बना सकते हैं। उम्मीद है आप इस सिलसिले में बिल्कुल भी कोताही नहीं फरमाएंगे, मेरी हेल्प करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे। हमने इस कॉम को रट्टा सिस्टम पर नहीं छोड़ना, हमने अपनी न्यू जनरेशन को कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ की तरफ लेकर आना है, ताकि ये मुल्क के लिए कीमती सरमाया साबित हों।
तो जो कुछ आज मैंने पढ़ाया है इसकी ट्रांसलेशन बच्चों को लिखवाएं, मैंने क्वेश्चंस भी बताए, उसके आंसर्स भी मैंने बताए, उनकी ट्रांसलेशन भी मैंने कराई, मैंने MCQs भी करा दिए और मैंने कॉन्सेप्ट भी दे दिया। तो अब आप पर है कि आप बच्चों को कितनी बार ये वीडियोस सुनाते हैं। आपने चैनल भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू। The Galaxy Public School, where your bright future lies. Playgroup to Matric, multimedia-based academic standards, highly qualified and experienced teachers, the most profound, committed and dynamic leadership, conceptual studies and quality education in the real sense. Compulsory English language and spoken classes with American and British accent. Daily and monthly test schedule. Well-equipped science and computer labs. Air-conditioned and fully furnished classrooms. Separate campuses for boys and girls. Separate campuses for playgroup, nursery and prep. Learning and personality building through sensorial activities. Opportunities for creativity and innovation. Video classes to improve spoken and listening skills. Co-curricular activities for physical and mental growth. Special attention towards dining manners. Healthy, peaceful, stress-free and hygienic environment. Facilities of generator and solar system. Monitoring through CCTV cameras. The Galaxy Public School, Bhutta Colony, near Vilayatabad, Multan. Phone 061-423-3171, 442-3030, 0300-636-2321.